नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आप देखेंगे कि 2022 में जो है वो टी अल्फाबेट का जो है ना वो बड़ा शोर रहा है। वन प्लस 10T, IQ 90 और अब हम लेकर आए हैं Realme GT Neo 3T। जी हाँ दोस्तों, मैं इस फोन का जो है वो अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और साथ ही साथ जो है मैं आपको इसका जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है वो बातें करेंगे फोन के स्पेसिफिकेशन की, डिटेल जानेंगे इस फोन के बारे में और भी बहुत कुछ हम इसको देखने वाले हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक मिल जाता है लिट और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। इसको साइड रख देते हैं और यहाँ पे जो है वो आपको मिलता है फ़ोन। चलिए इसको सीधा करते हैं बॉक्स को। यहाँ पे मिलता है फ़ोन, मिल जाता है। तो दोस्तों, फ़ोन को निकाल लेते हैं और इसको हम ऑन कर देते हैं जिससे कि आप जो है इसका बूट टाइम तब तक देख सके। जी हाँ, रियल मी लिखा हुआ दिख गया। इसको साइड में रख दें, आप तब तक देखते रहिए और तब तक मैं बॉक्स कंटेंट को एक बार एक नज़र मार लेता हूँ। यहाँ पे मिल जाता है आपको एक USB 2 टाइप सी केबल। जी हाँ, आप देख सकते हैं USB 2 टाइप सी केबल जो है इसमें दिया गया है। जी हाँ, आपको अब नज़र आ रहा होगा कैमरे में अच्छी तरह से। इसको अब साइड रखते हैं हम यहाँ भी और आपको मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट जो है वो फ़ोन का कवर मिल जाता है, देख सकते हैं बिल्कुल। और इसको भी साइड रखते हैं। यहाँ पे है जो आपको मिल जाता है एक पावर अडाप्टर। जी हाँ, ये जो चीज़ें हैं आपको फ़ोन में जो है वो मिल जाती हैं। इन सबको साइड करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट इम्प्रेशन। अब हम बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन की, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने बैक पैनल में जो है वो ग्लास फिनिश जो है वो पैनल का यूज़ किया है और जो पीछे से जो है वो कर्व है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व है। और जो सबसे खास बात कही जा सकती है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको चेकर्स जो है वो डिज़ाइन दिख रहा होगा जो हम लोग चेस में देखते हैं। एक हालांकि वाइट ही है लेकिन एक हल्का सा जो ऑफ आपको दिख रहा होगा और एक जो है वो थोड़ा सा लाइट शाइनिंग है इसमें। तो यहाँ पे जो है वो उससे क्या फ़ायदा है कि जो इन हैंड फील है वो ग्रिप जो है आपको अच्छा मिल रहा है और हाथ से जो है वो स्लिप नहीं कर रहा है, ये काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इसके अलावा बैक में आपको दो बड़े जो है वो कैमरा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, साथ में एक छोटा सा कैमरा का सेंसर है और दो जो है वो LED फ्लैश, डुअल LED फ्लैश जो है वो कैमरे को घेरे हुए हैं आजू बाजू। तो कुल मिलाकर हम इन हैंड फील कह सकते हैं अच्छा है। हम सामने की बात करते हैं, फ्रंट में डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं साइड कंपनी ने साइड पंच होल का जो है वो यूज़ किया है। जी हाँ, साइड पंच होल यूज़ किया गया है और डिस्प्ले की जो साइज, डिस्प्ले का जो साइज़ है वो आपको मिल जाता है 6.62 इंच का। जी हाँ, और जो इसका रिफ्रेश रेट है वो है 120Hz, जो बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ़ोन के जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं, तो आपको 92% से भी ज़्यादा जो है वो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। 92.60% का जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। और जो कंपनी ने कहा कि टच सैम्पल रेट जो है इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है वो सपोर्ट करता है 360Hz का। जी हाँ, 120Hz का रिफ्रेश रेट और 360Hz का जो है वो टच सैम्पलिंग रेट जो है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं PPI पिक्सल डेंसिटी की, तो कंपनी ने इसमें जो है वो 397 जो है वो पिक्सल डेंसिटी जो है उसको पेश किया है। लेकिन शायद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग जो है वो 400 प्लस पिक्सल डेंसिटी को देख चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा कम लगेगा लेकिन थोड़ा ही कम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कम का असर नहीं है। जो ब्राइटनेस है वो बहुत अच्छी है, 1300 निट्स यह ब्राइटनेस सपोर्ट करता है और कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है। एक बार मैं फुल ब्राइटनेस करके आपको दिखा दूँ तो काफ़ी ब्राइट है। जी हाँ, देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट है। मैंने इसको जो है अभी जो है लगभग 50% पे रखा है और आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा जो है वो फील ये दे रहा होगा। तो कुल मिलाकर कहें डिस्प्ले के मामले में अच्छा है। हाँ, अब जो है वो प्राइस रेंज में जो है वो 30 का जब हम टच करते हैं तो मोटरोला जो है वो कर्व डिस्प्ले के लेकर आ गया है, तो यहाँ पे शायद होता तो मज़ा आ जाता लेकिन यह भी बुरा नहीं है। वहीं हम बात करते हैं कैमरे सेगमेंट की। मेन जो कैमरा है वो मिलता है आपको 64MP का जो है वो प्राइमरी कैमरा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है वो 64MP का जो है प्राइमरी कैमरा मिल जाता है और इसका जो अपर्चर है वो है 1.79। जी हाँ, f1.79 का जो है अपर्चर मिल जाता है, यानी कि आपको जो है वो लो लाइट में भी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। यह अभी गारंटी नहीं है, टेस्ट कर लेंगे हम आगे चल करके। वहीं दूसरे कैमरे की हम बात करते हैं तो आपको जो है इसमें मिल जाता है 8MP का जो है वो वाइड एंगल जो है वो कैमरा मिल जाता है और उसका जो अपर्चर है वो मिलता है f2.3 जो है वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। और जो इसका तीसरा सेंसर है वो है आपको
2 MP का मैक्रो लेंस, यानी कि आप जो है वो नज़दीक से फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो दोस्तों क्यों ना, जब बात कैमरे की हो रही है तो क्यों ना एक जो है वो हम कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, इससे जो है कुछ फोटोग्राफी हम यहीं कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो है वो कैमरा सेटिंग कैसा है, कैमरे में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और इसका जो अपर्चर है वो कितना फास्ट है। तो चलिए कैमरे को जो हम ऑन कर लेते हैं और जी हाँ एग्री कंटिन्यू अलाउ और हम जो है वो कैमरा भी देख लेते हैं कि कैसा है कैमरा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे हम लोग अभी एक फोटोग्राफी कर लेते हैं। जी हाँ शटर स्पीड तो अच्छी है, कैमरा क्वालिटी ज़रा एक बार नज़र देख लें। ठीक है 64 MP का है, सही है, लाइट कम नहीं है, लाइट कम नहीं है, ऐसे में फ़ोटो जो है इसने सही लिया है। अभी हम दूसरे सेटिंग्स पे जाते हैं, कैमरा मोड की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ जो है आपको नाइट, स्ट्रीट, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी यहीं पे मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने फ़ोटो लिया था वो बाय डिफ़ॉल्ट था हाई रेजोल्यूशन, यानी कि 64 MP के लिए आपको जो है वो अलग मोड मिलेगा। एक फ़ोटो में जो है वो 64 MP पे क्लिक कर लेता हूँ। 64 MP पे भी यह जो कैमरा है वो काफ़ी फास्ट परफॉर्म कर रहा था। यह देख सकते हैं फ़ोटो, यहाँ पे हम देख सकते हैं यह जो है नॉर्मल मोड था और यह 64 MP है, 64 MP और नॉर्मल। थोड़ा सा जो है वो डिटेलिंग की जो है वो आप देख सकते हैं, डिटेलिंग में थोड़ा सा अंतर तो है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। मोर में जब आप आते हैं तो प्रो, पैनोरामा, अल्ट्रा जो है वो मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है, फिल्म का ऑप्शन मिल जाता है, स्लो मोशन का मिल जाता है, टाइम लैप्स का दिया गया है और डुअल व्यू। जी हाँ अगर आप जो है वो अगर वीलॉग वगैरह करते हैं तो यह जो डुअल व्यू है वो आपके लिए बहुत ही काम का जो है वो फीचर है। दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं AI का ऑप्शन मिल जाता है और सेटिंग में आप जाते हैं तो आपको ढेर सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिख जाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो कैमरा सेगमेंट में कंपनी ने बहुत कुछ दिया है। फ्रंट में जो है आपको मिल जाता है 16 MP का जो है कैमरा मिल जाता है जो f/2.45 जो है वो अपर्चर के साथ में आता है। फ्रंट में एक हम कर लेते हैं और देख सकते हैं एक फोटोग्राफी, बिल्कुल लाइट काफ़ी है यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा ये एक्सपोज कर रहा, बट फ्रंट की क्वालिटी जब हम देखते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा जो है वो शायद फ़ोटो हिल रहा हो इस वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी एक और शूट कर लेते हैं। यहाँ पे इसने लाइट को अच्छे से एडजस्ट किया है। जी हाँ यहाँ पे इसने लाइट को जो है वो अच्छे से एडजस्ट किया और देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्लर तो है यहाँ पे परफॉर्मेंस में, थोड़ा सा जो है वो हल्का सा जो है कह सकते हैं कि थोड़ा और परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि हम इंडोर में हों और आर्टिफिशियल लाइट में हों इस वजह से ऐसा हो। शायद आप बाहर फोटोग्राफी करें या अच्छी लाइट में फोटोग्राफी करें तो ऐसा जो है वो रिजल्ट ना मिले। हार्डवेयर सेक्शन पे जब हम आते हैं तो मैं आपको बता दूं यह जो फ़ोन है वो काम करता है स्नैपड्रैगन 870G चिपसेट पे। जी हाँ 870G चिपसेट मिल जाता है और इसमें जो है आपको मिल जाता है रियलमी UI 3.0। जी हाँ इसके अलावा आपको जो है वो रैम मिलता है, 8 GB की रैम मेमोरी मिल जाती है, एंड्रॉयड 12 पे काम करता है और कंपनी ने जो है इसे पेश किया है 128 GB मेमोरी के अलावा 256 GB की मेमोरी के साथ में। और जो अच्छी बात कही जा सकती है यह जो फ़ोन है वो सपोर्ट करता है UFS 3.1, यानी कि फास्ट जो है वो डेटा ट्रांसफर में यह जो फ़ोन है वो सक्षम होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो सब कुछ जो है वो ठीक ठाक है। तो दोस्तों बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ जो आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और इसके साथ में कंपनी ने जो है वो दिया है 80 W का जो है वो फास्ट चार्जर दिया। जी हाँ 80 W का जो है वो फास्ट चार्जर दिया है जो कि बॉक्स के साथ उपलब्ध है। ये अच्छी बात कही जा सकती है कि आजकल कंपनी हटा रही है, खुद रियलमी ने कुछ फ़ोन में हटा दिया था, लेकिन इसके साथ जो है आपको 80 W का जो है वो फास्ट चार्जर जो है वो मिल जाता है। तो कुल मिलाकर कहें तो आपको सब कुछ दिया जा रहा। हाँ अब बारी आती है कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो जो अच्छी बात कही जा सकती है कि अगर आप OTT स्ट्रीम करते हैं या वीडियो देखते हैं या म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो इसमें जो है वो डॉल्बी एटमॉस का जो है वो इंटीग्रेशन मिल जाता है। वहीं बात करते हैं सिम स्लॉट्स की तो जरा मैं इसको एक बार ओपन करके देख लूँ। इसमें कंपनी ने जो आपको वो डुअल सिम का ऑप्शन दिया है। जी हाँ आप देख सकते हैं कि डुअल सिम का ऑप्शन दिया गया है। और एक खास बात कि यहाँ जो है आपको वो कार्ड स्लॉट नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों कार्ड स्लॉट जो है वो नहीं दिया गया। हम साइड में भी देख लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं कि आपको यहाँ पे देखिए सिम कार्ड स्लॉट, USB टाइप सी पोर्ट और जो है वो लाउड स्पीकर ग्रिल दिया गया है, लेकिन इधर कहीं भी कार्ड स्लॉट जो है वो नहीं है। राइट साइड में जो आपको मिल जाता है पावर बटन और लेफ्ट साइड में जो आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर। तो कहीं भी जो हम देख सकते हैं इसमें जो है वो कार्ड स्लॉट नहीं दिया है, यानी कि आपको जो है वो
इंटरनल मेमोरी पे ही जो है वो डिपेंड रहना होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो फोन जो है ठीक ठाक है, डिजाइन अच्छा है, मैं बहुत अच्छा इसको नहीं कह सकता क्योंकि हम जो है अभी हाल में हमने जो है वो मोटोरोला फ्यूजन का जो है वो अनबॉक्सिंग किया है और फर्स्ट इंप्रेशन किया है एंड वन ऑफ द मोस्ट जो है इंप्रेसिव फोन जो है अंडर 40K मुझे लगा है। वहीं इस फोन में जो है वो बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कुछ भी है। डिजाइन अच्छा है, आपको प्रोसेसर जो है वो ठीक ठाक मिल जाता है, कैमरा भी जो है वो ठीक ठाक है। 108 कंपनी के पास ऑप्शन था लेकिन कंपनी ने दिया नहीं। आपको जो है वो साइड नॉच मिल जा रहा, ठीक है। डिस्प्ले जो है वो एमोलेड मिल रहा, जी हाँ डिस्प्ले जो है वो आपको एमोलेड मिल रहा, ये अच्छी बात कही जा सकती है। तो ठीक ठाक फोन है, प्राइस आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। रही बात वर्डिक्ट की, तो आप इस पे पैसे लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेसर है 870 जो प्रोसेसर है वो काफ़ी इफिशियंट प्रोसेसर है और इसमें हीटिंग की समस्या कम है और बैटरी कंजम्पशन जो है वो कम है और परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी स्टेबल है, इसलिए मैं इसको जो है वो अच्छा ऑप्शन कहूँगा।